हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पॉसिबल 11 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सौराष्ट्र प्रीमियर लीग T20 मुकाबले की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला HS बनाम GJ के बीच दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है। लास्ट में मैं आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, HS से स्नेहल पटेल, रुचित अहिर, डी चौहान, हैथविक कोथक, जय गोहिल, समर गजर, अर्थ यादव, पार्थ चौहान, सोनू भाम, थिराज जडेजा, नील पंड्या। दोस्तों, आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि HS की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ जी की प्लेइंग 11 की, नेहर बघेला, वी जडेजा, के पाठक, राक्षित मेहता, यश परेख मौर्या, प्रेरिक मखंड, कबीर पटेल, यूश उस्मा, एस सनादिया, वी जबरानी। दोस्तों, आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि जी की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ मैं वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की, तो बता दें दोस्तों ये मुकाबला 23 अगस्त वेडनेसडे को शाम को 7 बजे से ये मुकाबला सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन में दोस्तों ये मुकाबला इंडिया में खेला जाएगा। बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो बता दूँ दोस्तों ये बैटिंग पेज है। अभी तक टोटल यहाँ 4 मैचेस खेले गए हैं, जो कि बैटिंग पहले करने वालों ने 2 मुकाबले विन किए एंड बॉलिंग पहले करने वालों ने दोस्तों यहाँ पर 2 मुकाबले विन किए हैं। फ्रेंड्स, बात करूँ फ्रेंड्स वेदर रिपोर्ट की, तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला अराउंड 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा फ्रेंड्स, एंड 4.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करता हूँ मैं स्टेडियम की अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, तो दोस्तों टोटल मैच जो कि 4 खेले गए हैं, बैटिंग पहले करने वालों ने यहाँ पर 2 मुकाबले विन किए एंड बॉलिंग पहले करने वालों ने यहाँ पर 2 मुकाबले विन किए हैं। परसेंटेज की बात करूँ तो 50-50% रहा है 1%, एंड फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इज 179 एंड सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर इज 149। हाईएस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो 204 विकेट के साथ रहा है, एंड लोवेस्ट टोटल 87 10 विकेट के साथ। हाईएस्ट चेंज जो स्कोर हुआ है 204 विकेट के साथ हुआ है, लोवेस्ट वेंटेड 196 2 विकेट के साथ। मैच व्यू की बात करूँ उससे पहले बता दूँ दोस्तों इस मैच में 5000 रुपये का फ्री गिव अवे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप पॉसिबल 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स और फ्री गिव अवे का पेन जो है ले सकते हैं। बात करूँ फ्रेंड्स ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दूं जो कि जी गुड फॉर्म में है, रिसेंट मैचेस में इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूं, आज का टॉस है कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है दोस्तों HS टॉस जीत सकती है एंड पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स, मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ दोस्तों, तो आपको बता दूँ समर गजार को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड स्नेहल पटेल को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे। बात करूँ हेड टू हेड मुकाबले की, तो दोस्तों आपको बता दूँ दोनों टीमों के बीच एक भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं खेला गया, लाइव टेलीकास्ट आप एनकोड पर देख सकते हो। पॉइंट टेबल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो टॉप ऑर्डर बैटर आप जरूर पिक करिए एंड डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके लास्ट विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। विकेट कीपर में दोनों सही हैं, हालांकि स्नेहल पटेल आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, पेसर्स का इस पिच पर जरूर रहने वाला है। बात करूँ फ्रेंड्स विनिंग प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों जी ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज ए HS टीम से, अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर जो कि जी के पिक कर सकते हैं, 7-4 का कम्बिनेशन अपने फेवर में जी को रख सकते हैं। कुछ मुखिलाड़ी जो कि HS के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, स्नेह पटेल, डी चौहान, हैथविक कोटक, समर गजर, पार्थ चौहान, सोनू बताम। दोस्तों आप ये मुखिलाड़ी देख सकते हो जो कि HS के मुखिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। बात करूँ मैं मुखिलाड़ी जो कि जी के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो, वी जडेजा, रसिद मेहता, मौर्या गोगरी, प्रेरक मखंड, वाई चौसमा एंड एस नदिया। दोस्तों आप ये मुखिलाड़ी देख सकते हो जो कि जी के मुखिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ फ्रेंड्स, डी चौहान को एज ए वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो एंड समर गजार को एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। पार्थ चौहान एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो एंड रशीद मेहता को एज अ कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। इंजर्ड की बात करूँ फ्रेंड्स, दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं हुआ है। बात करूँ अपनी फैंटेसी टीम की, तो दोस्तों आपको बता दूँ विकेट कीपर में एस पटेल को सेलेक्ट किया है, बैट्समैन में वी जडेजा, डी चौहान, के पथक,
एंड दोस्तों एच कोथक को दोस्तों सेलेक्ट किया है। ऑलराउंडर मैंने दोस्तों एस गजार, ए यादव, एम गोहनर को दोस्तों सेलेक्ट किया है। बॉलर में दोस्तों वाई चौसिया, एस फताम एंड टी जडेजा को दोस्तों सेलेक्ट किया अपनी फैंटेसी टीम में। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूं, कैप्टन जो कि एम गोगम कैप्टन बनाया है एंड वाइस कैप्टन दोस्तों डी जोहान को मैंने अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कैप्टन बनाया है। फ्रेंड्स जो भी फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक बार सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली न्यूज वीडियो प्रेडिक्शन आपको सबसे पहले पहुँचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।